everyone. Welcome to Heron Academy's YouTube channel. I am Manju Kharai. In my previous video, I told you that you have to think in English, then connect it with the verb, and then try to speak. Yes. The next is that how to make plural verb forms, okay, from the simple present tense or from the simple verb forms, or how to change the singular noun form into plural noun form. V1 को हम V5 में कैसे चेंज करें, या हम सिंगुलर सब्जेक्ट को या सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल नाउन में कैसे चेंज करें. सो लेट्स सी दैट. ओके, सो इट इज वेरी वेरी सिंपल. हाउ डू यू चेंज? रूल नंबर 1. ओके, जिस भी वर्ड के आगे, वेन एवर देर इज अ वर्ड विच एंड्स विथ वाई, वाई इज अ वॉवल साउंड, दिस इज आई. ये सेमी वॉवल साउंड होता है, जो आई साउंड होता है उसका. लेकिन लेकिन वाई के आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए. अगर वाई के आगे वॉवल होगा तो आप चेंज नहीं कर सकते. दिस यू हैव टू कीप इट इन माइंड. जैसे मैंने बोला क्राई, तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट क्या है? आर, सी आर वाई. तो वाई जो चेंज हो गया आपका क्या? आई में. क्राई इज अ वर्ब. ओके, यस, दे क्राई फॉर स्मॉल थिंग्स. ओके, यस. सो अब मैंने उसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वाई चेंजेस इनटू आई, तो क्या बन गया? क्राइज. सो शी क्राइज फॉर पिटी थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के लिए वो रोती है. सो शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ हमने वर्ब फॉर्म लगाया V5. तो जो भी वर्ड एंडिंग विथ Y है विल टेक द साउंड ऑफ I, अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट होगा. दिस इज रूल नंबर 1. उसके बाद आप देखोगे कि जितने भी वर्ड हैं जो अल्फाबेट एक्स से एंड होते हैं, या ओ एक्स से एंड होते हैं, या सी एच से एंड होते हैं, या एस एस से एंड होते हैं, या एस एच से एंड होते हैं, दे ऑल हैव ई एस एज देयर सफिक्स. यस, उनके पीछे हम ई एस लगा के उस वर्ड को चेंज कर लेते हैं. Changing of the verb form or changing of the noun form from singular to plural. Box, X आया, ES में change हो गया, plural बनाया तो boxes. Church, CH आया, ES में change हो गया. Dish, H आया, SH आया, ES में change हो गया. Trash, SH आया, ES में change हो गया. Dress, SS आया, ES में चेंज. ग्लास, SS आया, ES में चेंज. सो ऑल दीज वर्ड्स को आप आइडेंटिफाई करिए और ट्राई टू चेंज आइदर द नाउन बेस और द वर्ब. दिस इज हाउ यू विल चेंज V1 इनटू V5. और बाकी जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, मदर, उनमें सब में अगर आप प्लूरल केस बनाते हो तो आप एस लगा देते हो. सो V5 का मतलब है कि कोई भी वर्ब फॉर्म जो रूट वर्ब फॉर्म है उसमें हम एस लगाते हैं, या ई एस लगाते हैं, या आई एस लगाते हैं टू चेंज इनटू द वर्ब फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड V5. Yes. और V5 किसके साथ लगता है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. और V1 लगता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. दिस यू हैव टू कीप इट इन माइंड. इट इज अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. करेक्ट. अब यहाँ पे एक और बात सोचने वाली है कि भाई हम हर चीज के पीछे एस लगा के सोचते हैं वो प्लूरल बन गया, विच इज नॉट करेक्ट. जितने भी आपके नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं, एनी नाउन्स विद जो काउंट की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, उसको हम नॉन काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. जैसे हवा को काउंट कर सकते हो क्या?
नहीं कर सकते, वो नॉन काउंटेबल की कैटेगरी में है। स्टार एंड स्टार्स, भाई स्टार जो है अनकाउंटेबल है, लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट उनको काउंट तो कर सकते हैं ना, कुछ कुछ पोर्शंस में लेके। सो वहां एस लग जाता है, बट ये जो नॉन काउंटेबल कैटेगरी होता है उसमें नहीं लगता। तो अगर हम एयर की बात करेंगे उसमें हम एस लगा देंगे, एयर्स, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। द मीनिंग मीन्स शी हैज एयर्स अबाउट हरसेल्फ, मीन्स शी हैज एन ईगो। यस, शी इज एन ईगोइस्ट पर्सन। सो द मीनिंग टोटली गेट्स चेंज अगर आपने वहां पे एस लगा दिया है। Just follow the slide now. Subject 1 and subject 2. So singular noun के साथ जो he, she, it और कोई भी singular होते हैं जिनको हम third person भी बोलते हैं as a pronoun, we use the which form? Yes, V5 form. Now number 2, when you have a plural noun, that is we, they, I and you, we are going to use what? Yes. The verb first form. You are right. Until then, stay safe, stay healthy, take great care of yourself. And don't forget to subscribe. Yes. Or any queries you have, put it in the comment box. I will definitely address to it. Thank you so much.